गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आर क्लास ऑनलाइन क्लास। स्टूडेंट्स, टुडे आई विल स्टार्ट फिल इन द ब्लैंक्स चैप्टर 12, 13 एंड 14। स्टूडेंट्स, आज मैं रिवीजन क्लास में आप लोगों को स्टार्ट करने जा रही हूँ फिल इन द ब्लैंक्स। वो फिल इन द ब्लैंक्स मिक्स करके आप लोगों को समझाया गया है। चैप्टर 12 का है, इसमें कुछ क्वेश्चन 13 का और 14 का। ओके स्टूडेंट्स, क्योंकि इसी चैप्टर से आज मैं आप लोगों को टेस्ट देने जा रही हूँ सरप्राइज के, तो आप इस वीडियो को अच्छे से देखोगे। ओके स्टूडेंट्स, तो हम बारी बारी करके जितने फिल इन द ब्लैंक्स है मैं आपको समझाऊंगी, आपको बताऊंगी। अगर आपका कहीं भी कुछ छूट गया होगा, नहीं समझ में आया होगा, तो आप इसको देख करके लर्न कर लोगे। ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले मैं फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स आप लोगों को समझाने जा रही हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है फिल इन द ब्लैंक्स का, वर्ड वी एक्ट एज फॉर देम। आपने चैप्टर 12 में पढ़ा है वर्ड विंग के बारे में, क्लॉज के बारे में, है ना? तो उसी से रिलेटेड ये क्या है फिल इन द ब्लैंक्स। तो ये क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, वर्ड विंग एक्ट एज फॉर देम। वर्ड का जो विंग है ना, वो किसके जैसा है, वो वर्ड हम लोग जो टिक का उपयोग करते हैं खाना खाने के लिए, उसी प्रकार बर्ड है बीक के द्वारा ही अपना जो भी फूड है उसको क्या करता है, वो खाता है। तो आप इसमें क्या लिखोगे, टिक। जो बर्ड का बीक ही बीक है, जो किसके रूप लिए उपयोग होता है उसको भोजन करने के लिए, तो जैसे हम लोग का टिक है उसी तरह बर्ड का क्या है, बीक है, ठीक है ना। सेकेंड क्या है, कार्निवोरस यूज देयर फॉर टियरिंग फिश। आपने तो पढ़ा हुआ कि कितने टाइप्स के एनिमल्स होते हैं, कुछ एनिमल्स कार्निवोरस होते हैं जो केवल पत्ता घास ये जो ट्री है उसके ब्रांच को खाते हैं, है ना। कुछ एनिमल कार्निवोरस होते हैं जो फ्लीस ऑफ अदर एनिमल्स, जो दूसरे एनिमल्स को मारकर उसके ये मीट को खाते हैं। थर्ड क्या है, ओमनीवोरस। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, कार्निवोरस यूज देयर फॉर टियरिंग फ्लेश। जो कार्निवोरस एनिमल्स है वो कोई भी टियरिंग, जो भी फ्लेश वो मारते हैं उसको किस चीज के द्वारा टियरिंग करते हैं उसमें ये को, तो आप इसमें क्या लिखोगे, फ्रंट टिक। उनका जो आगे का जो ट्रीट होता है उसके द्वारा वो कोई भी फ्लिस है उसको टियर करते हैं, है ना, फ्रंट टिक। ओके स्टूडेंट, क्या है, कार्निवोरस जो एनिमल्स है वो फ्लिस को क्या चीज के द्वारा टियर करते हैं, काटते हैं, तो फ्रंट टिक। उनका जो फ्रंट टिक होता है वो सीजर की तरह बहुत ही नुकीला और शार्प होता है। ओके, अब थर्ड फिल इन द ब्लैंक्स क्या है, द डैश ऑफ बर्ड विंग टू टेल द टाइप ऑफ फूड दैट दे ईट। आपने लेसन 12 में पढ़ा था कि हर जो बर्ड होता है सबका विंग एक जैसा नहीं होता है, डिफरेंट बर्ड के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के विंग्स होते हैं, तो उसी की मार्ग के द्वारा उनका जो फूड हैबिट है वो पता लगाया जाता है। तो आप अलग अलग जो बर्ड है तो आप इसमें क्या लिखोगे, इसमें लिखोगे यूनिक से। जो बर्ड है उनके जो बीक है उनका एक यूनिक शेप होता है हर बर्ड का, जिसके द्वारा उनका जो फूड है वो खाते हैं। हर बर्ड का जो बीक है एक जैसा नहीं रहता, तो इसमें आप क्या फिलहाल करोगे, यूनिक शेप। ओके, अब थर्ड क्या है, आउल वल्चर एंड ईगल है
सॉरी टिथ नहीं बिक, वो कैसे होते हैं? तो उनका जो बिक होता है बहुत ही स्ट्रांग होता है, उनका जो ये रहता है बिक वो बहुत स्ट्रांग होता है, साथ में हुक जो उनका जो देखने में सेफ होता है हुक की जैसा होता है। जो उनका शिकार होता है, जो उनका भोजन होता है वो खाते हैं। आप हाइट ये है कि टू डैश है बी कॉप हमिंग बर्ड नियर देम टू नेक्टर फ्रॉग फ्लावर्स। तो इनका जो होता हमिंग बर्ड होता है उनका जो बीक होता है किस तरह होता है, उनका बीक लॉन्ग एंड सिलेंडर के आकार का होता है, लंबा होता है उनका बीक और जो सिलेंडर के आकार का उनका जो हमिंग बर्ड है उनका जो बीक होता है लॉन्ग लंबा होता है और सिलेंडर के आकार का उनका बीक होता है, जो फ्लावर में जाके जो उसका रस होता है उसको क्या करते हैं वो लेते हैं चूसते हैं एंड दे द सक्स नेक्टर फ्रॉम द फ्लावर्स। ओके अब क्या है सिक्स में हवेली वेयर सी इन, आपने जो टाइप्स ऑफ हाउस पढ़ा या हाउस में आपने पढ़ा देन एंड नाउ पहले के घर और अभी के घर में क्या डिफरेंसेस है, तो उसमें आपने पढ़ा था कि जो हवेली है हवेली वेयर सी इन टाइम, तो हवेली हवेली जो बनाया था जाता था किस समय, तो ओल्ड एज प्राचीन काल में हवेली का निर्माण होता, लोग ज्यादा से ज्यादा हवेली किस समय बनाते थे प्राचीन काल में। ओके अब क्या है सेवन मल्टी स्टोरी बिल्डिंग आर सी इन, आप तो देखते होंगे जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग होता है वो कहाँ बनाया जाता है, छोटे शहरों में नहीं बनाया जाता है, नहीं वो बड़े बड़े शहर में, तो अर्बन एरिया आपने पढ़ा है एक रूरल एरिया होता है जो ग्रामीण क्षेत्र होता है और एक होता है अर्बन एरिया है ना, तो जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है वो कहाँ बनाया जाता है अर्बन एरिया में। ओके अब एट में क्या क्वेश्चन है वॉल ऑफ हॉट वेयर प्लास्टर्ड एवरी, आपने ये जो फिल इन द ब्लैंक है चैप्टर 12 का है 12 नहीं सॉरी 13 का है, इसमें आपने ओल्ड एज का और मॉडर्न एज का हाउस के बारे में पढ़ा था, तो यहाँ पूछा जा रहा है वॉल ऑफ हॉट जो उस समय जो हट बनाया जाता था झोपड़ी बनाया जाता था उसका दीवार क्या किसे प्लास्टर किया जाता था, तो कॉबवेब मींस गाय के गोबर से उनका पूरा जो घर था उससे वो प्लास्टर कर देते या लिपते थे। ओके अब क्या है नाइन्थ में क्या क्वेश्चन है पीपल फ्रॉम टाउन ऑफ विलेज टू सिटी इन सर्च ऑफ फूड लिविंग, पहले के लोग कहाँ जाते थे सर्च करने के लिए खाना लिए के लिए प्रॉपर लिविंग, पीपुल फ्रॉम टाउन टू विलेज टू सिटी इन सर्च ऑफ प्रॉपर लिविंग, एक अच्छा जीवन जीने के लिए बहुत आदमी एक जगह से जैसे छोटे शहरों या गांव से कहां जाते थे बड़े शहरों के लिए, तो पीपुल यहां पर क्या होगा माइग्रेट, माइग्रेट का क्या अर्थ होता है माइग्रेट का अर्थ होता है एक जगह से दूसरे जगह जाना, माइग्रेट फ्रॉम ऑफ विलेज टू सिटी इन सर्च ऑफ प्रॉपर लिविंग, एक अच्छे जीवन जीने के लिए पैसा अर्न करने के लिए वो गांव से किसकी ओर जाते थे शहर की ओर। अब टेंथ में क्या है ओपन डंपिंग ऑफ वेस्ट, जो ओपन डंपिंग आप कोई भी कचरा को किसी ओपन किसी खुले जगह पे रख देते हो तो वो क्या हो जाता है ओपन डंपिंग ऑफ वेस्ट वेस्ट पॉल्यूटेड,
रिक्वायरमेंट, वो जब आप किसी भी कचरा को ओपन डंप में कहीं भी खुले जगह पे रख देते हो तो एनवायरमेंट वातावरण क्या हो जाता है हमारा, पॉल्यूटेड हो जाता है, प्रदूषित हो जाता है। ओके स्टूडेंट, तो आज मैंने आपको मिक्स करके जो 12, 13 और 14 का कुछ फिल इन द ब्लैंक्स आपको समझाया है। मैं सरप्राइज टेस्ट में इसको इसके अलावा और भी पूछूंगी, लेकिन फिर भी आप इसको अच्छे से रिवाइज कर लो। ओके बाय, थैंक यू।